Good morning, students. Now we will start the lesson number 3, election and representation. Today's topic is election and democracy. Let us begin by asking ourselves two simple questions about election and democracy. First question is, can we have democracy without holding elections? क्या उन्होंने क्या इलेक्शन और डेमोक्रेसी का आपस में क्या रिलेशन है? कहते कि दो क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन. क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी हो सकती है? सिंपल से तरीके से आपको बताती हूँ, बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, होना जरूरी होता है. अगर पीपल पार्टिसिपेशन ही नहीं, आपको पता है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या होती है, जरूरी होती है. तो उस रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं, वो इलेक्शंस के जरिए क्या करते हैं, मतलब अपने आप इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर. अब आपको सिंपल सी बात बता दूं, इंडिया जैसे देश में जहाँ लोकल लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको डेमोक्रेसी के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उनको इलेक्शंस के बारे में क्या होता है, पता होता है. द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी. ऑल सिटीजंस कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन. कहते हैं कि सभी लोग जो हैं वो क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हर डिसीजन के अंदर. देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसीलिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं. दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट. इससे इलेक्शन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया एज ए डेमोक्रेसी आर माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू द लास्ट इलेक्शन. कहते हैं कि जब कभी भी हम इसके बारे में सोचते हैं, इंडिया को एक डेमोक्रेसी के बारे, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, जो लास्ट इलेक्शन है उस तरफ जाता है. इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इलेक्शन आज क्या है, मोस्ट विजिबल सिंबल है इसका, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का. कहने का मतलब है कि लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता हो ना हो, लेकिन उनको वो इलेक्शन से ही क्या है, उनको इलेक्शंस के बारे में ही नॉलेज होती है. इसीलिए बिना इलेक्शंस के लोगों का क्या नहीं हो सकता, पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता. और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है. इसी के अंदर आता है कि किस तरीके की डेमोक्रेसी हो सकती है, किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये दो टाइप्स होती हैं, एक तो होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर द सिटीजंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर लोग क्या है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जो डे टू डे डिसीजन लेना होता है उसके लिए, और गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, चलाने के लिए. द एंशिएंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. कहते हैं कि ग्रीस के अंदर सिटी स्टेट, मतलब ग्रीस के सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, लोग इकट्ठे बैठ सकते थे, और वो क्या करते थे, इकट्ठे बैठ कर अपनी सिटी से रिलेटेड क्या लेते थे, डिसीजन लिया करते थे. मतलब सिटी से रिलेटेड डिसीजन का मतलब है, अगर सिटी की डेवलपमेंट करनी है या डेवलपमेंट के लिए या कोई रूल या रेगुलेशन बनाना है, तो वो सब इकट्ठे बैठ कर क्या करते थे, डिसीजन लेते थे. लेकिन उन्होंने क्या बताया, आजकल मीडिया के अंदर क्या एग्जाम्पल आता है, इसका एग्जाम्पल है ग्राम सभा. आपको पता है कि ग्राम सभा क्या होती है, गाँव के जो लोग होते हैं, एडल्ट पीपल जो होते हैं, मतलब 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से वो इकट्ठे बैठते हैं, और इकट्ठे बैठ कर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, किससे रिलेटेड, गाँव से रिलेटेड. बट उन्होंने कहा था, लेकिन बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड व्हेन ए डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल. लेकिन अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर वर्किंग नहीं कर सकती जहाँ पर डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा लिया जा रहा है. अब आपको पता है कितने बड़े बड़े देश हैं, और सभी लोग क्या है, इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर क्या नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए क्या है, एक अलग मेथड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का. उसमें क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे. इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री. कहते हैं कि इस अरेंजमेंट के अंदर सिटीजन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए. मतलब वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लोगों के बिहाफ पर, वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. द मेथड फॉलोड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर्ड टू एज एन इलेक्शन. कहते हैं कि जो ये मेथड रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम इलेक्शन बोलते हैं. दस द सिटीजंस हैव ए लिमिटेड रोल इन टेकिंग मेजर डिसीजंस एंड इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. कहते हैं जो सिटीजंस हैं उनका एक लिमिटेड रोल होता है, किसके अंदर,
डिसीजन लेने के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने के लिए चलाने के लिए. दे आर नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज. वो एक्टिवली तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन सिटीजंस आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली. सिटीजंस जो होते हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इसके जरिए थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए वो क्या करते हैं, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर पॉलिसीज को बनाने में. वो खुद एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट लोग नहीं करते, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के बिहाफ पर वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं. इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द मेथड बाय व्हिच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि जो इनको चुनने का मेथड होता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस तरीके से कहते हैं कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, इलेक्शन का होना क्या होता है, जरूरी होता है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. कि सभी इलेक्शन जो क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक नहीं होते. पहले तो जैसे समझो कि कई ऐसे देश हैं वहाँ क्या है, वहाँ जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या है, वन पार्टी सिस्टम है. वो कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने का क्या मतलब हुआ, जब लोगों के पास क्या है, च्वाइस ही नहीं है क्या इसको लेकर, पार्टीज को लेकर. इट मीन्स वो हम उसको क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. लेकिन वो अपने आप को क्या करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं कि हमने मतलब क्या किया, हमने भी इलेक्शंस करवाए हैं. तो वो अपने आप को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है. ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड इलेक्शन. कहते हैं कि काफ़ी संख्या में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो इलेक्शंस करवाती हैं. इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स आर वेरी कीन टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक. दे डू सो बाय होल्डिंग इलेक्शन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल. मतलब वो इलेक्शन किस तरीके से करवाते हैं, कहते हैं बहुत सारे जो देश हैं वो ऐसे हैं जो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो इलेक्शंस करवाते हैं. लेकिन वो इलेक्शन इस तरीके से होते हैं कि उनको हम फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते. मतलब फ्री और फेयर का मतलब है कि वो इस तरीके से इलेक्शन कराते हैं कि उनके मतलब जो रूलिंग है उसको कोई खतरा ना हो. मतलब वो दोबारा से क्या है, उस देश के क्या बन जाए, लीडर बन जाए. मतलब इस तरीके की मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने फ्री और फेयर तरीके से क्या करवाए, इलेक्शन करवाए. कहते कि व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर दैट इलेक्शन इन ए कंट्री वुड बी कंडक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक वे. कहते कि अब कैसे इंश्योर किया जाए कि किसी देश के अंदर इलेक्शन अगर होते हैं तो वो क्या है, डेमोक्रेटिक वे से है या नहीं है. तो कहते कि इसके लिए अब कौन जिम्मेवार होता है. देखो मैंने आपको बहुत टॉपिक्स के बारे में मतलब दो क्वेश्चन आपको आंसर बताए होंगे कि एक तो बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा कि बिना डेमोक्रेसी के भी क्या नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते. अगर मतलब डेमोक्रेसी नहीं है तो उनको इलेक्शन कैसे, उसको कैसे हम मानेंगे कि वो क्या है, कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. ऐसा नहीं हो सकता, बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन नहीं हो सकते. तो कहते हैं कि अब इंश्योर कैसे किया जाए कि जो इलेक्शन हुए हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं या नहीं हुए. कहते हैं कि दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन. यहाँ पर किसका रोल आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन ये रोल प्ले करता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है किसको लेकर, इलेक्शन को लेकर. कहते हैं कि क्या बेसिक रूल्स होते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कौन से रूल बनाता है कि हु इज एलिजिबल टू वोट, वोट देने के लिए कौन एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन के अंदर, हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शन को कौन सुपरवाइज करेगा, हाउ द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वोटर्स किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, वोटों को किस तरीके से काउंट किया जाएगा और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा. तो इस तरीके से इलेक्शन और डेमोक्रेसी का आपस में क्या है, एक रिलेशन है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया का क्या है. तो वो जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी कि जो इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है, किस तरीके से किसको वोट देने का अधिकार है, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन से मेथड्स को अडॉप्ट किया.